अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बाउंसी कर्ल्स। अपने घर में बैठ के विद इन 5 मिनट्स, कहीं पर भी नहीं जाना आपने, ना पार्लर जाना है ना कहीं जाना है, घर पे बैठे बैठे आप विद इन 5 मिनट्स में अपने बालों को बाउंसी कर्ल्स का लुक दे सकती हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा लॉलैंड का मूस चाहिए होगा और एक स्ट्रेटनर चाहिए होगा, मीडियम फ्लेम पर, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपने जो है अच्छे से कॉम कर लेना है अपने हेयर्स को, और जब भी स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करें तो मेक श्योर कि आपके जो बाल हैं वो अच्छे से कॉम हुए हुए हों। तो यहाँ पर मैं लॉलैंड का मूज अप्लाई कर रही हूँ, फ्री स्टाइलिंग मूज है तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। बस थोड़ा सा आपने लिटिल बिट लेना है और अपने हेयर्स पर जहाँ आपने स्ट्रेटनिंग करनी है उसको लाइट सा शेक करके, अच्छे से शेक करके वहाँ पर अप्लाई कर देंगे हेयर्स पर। और इस तरह से देखें जिस तरह से मैं कर रही हूँ, तो इस तरह से आपने अप्लाई कर देना अपने हेयर्स पर। हेयर्स पर अप्लाई करने के बाद अच्छे से कॉम कर देंगे और आपने ले लेना है स्ट्रेटनर। और कभी भी बालों को इस तरह से नहीं उठाना पूरे इतने सारे बाल लेके, इसके भी पार्टीशन करेंगे हम इस तरह से, ऊपर से एक इस तरह से पार्टीशन करेंगे, फिर हम करेंगे स्ट्रेटनिंग। इस तरह बहुत सारे गुच्छा बाल उठा के और उसको जो है कर्ल्स करना, उससे अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते, बहुत मैसी सा लगता है। तो इस तरह से आपने एक पार्टीशन कर लेने अपने हेयर्स के, और छोटे छोटे पार्टीशन करके इस तरह से आपने इनको कर्ल्स करना स्टार्ट करना। ये देखें कितना प्यारा इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से आपने करना है, बहुत सारे बाल एक साथ उठा के कर्ल्स नहीं करते, छोटे छोटे पार्ट कर लें अपने बाल के, अपने हेयर्स के, और इस तरह से ये देखें। टाइम लगेगा, टाइम गेनिंग है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। जान छुड़ाने के लिए लेडीज़ क्या करती हैं, बहुत सारे बाल एक साथ उठा लेती हैं और उनको कर्ल्स कर लेती हैं, तो थोड़ी देर के बाद जो है ना बहुत बुरा रिज़ल्ट आने लग जाता है। तो जब आप छोटे छोटे से अलग अलग से पार्टीशन करेंगी बालों के और इस तरह से कर्ल्स करेंगी, तो इससे एक अच्छा सा रिज़ल्ट आएगा और बहुत फिनिशिंग लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से आपने कर्ल्स कर लेना है दोनों साइड पर, और इस तरह से आपके कर्ल्स हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको ठंडा होने देना, जब ठंडे हो जाएंगे तो आपने फिंगर्स की हेल्प से इसको ऐसे खोल लेंगे बाउंसी कर्ल्स के लिए। आप चाहें तो इस तरह से कर्ल्स भी कर सकते हैं, लेकिन बाउंसी कर्ल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे कर्ल्स करने के बाद, तो आपने फिंगर्स की हेल्प से इसको इस तरह से खोल लेना है। लाइट सी फिंगर्स चलाएंगे अपने हेयर्स में। तो ये देखें कितने वॉल्यूमाइज हेयर्स हो गए हैं और कितने बाउंसी कर्ल्स आ रहे हैं, ये देख सकते हैं हम। तो ये रिजल्ट्स आएंगे बिल्कुल पॉलर वाले रिजल्ट्स। कहीं नहीं जाना आपने, ना पॉलर में टाइम वेस्ट करना है। जो बच्चों वाली लेडीज़ होती हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है पॉलर में जाके घंटों घंटों वेट करना। तो आप घर पर ही अपने बालों पे बाउंसी कर्ल्स कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आप भी घर बैठे अपने बालों को बाउंसी लुक दें विदाउट पॉलर गोइंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अल्लाह first.